सत्संगति मधि मंगल मूला सोई फल सिद्धि सब साधन फूला सबे सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर सुमन कलेसा। मतलब है कि सत्संग मूल जो चीज़ है वो सत्संग है, और बाकी जितना पानी से डालना, यह करना, सेवा करना, सूर्य की तरफ करना, मूर्ति जलाना, जोत जलाना, ये सब अच्छे हैं, ये कर्म कांड है, ये फलफूल हैं। ऐसा करता श्रद्धा से पता लगता श्रद्धा है, और इच्छा पूरी हो जाती है श्रद्धा से। तो मूल चीज़ जो है वो सत्संग। फिर आगे कहा, बिन सत्संग विवेक न हो ही राम कृपा बिन सुलभ न सोई। बगैर सत्संग के विवेक नहीं होगा, ये नहीं होगा सही क्या गलत क्या है, और अंदर से आपको आवाज़ नहीं आएगी। सत्संग सुना तो फट अंदर से ही आवाज़ आ जाएगी, ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसा करो, सत्संग से होगा। ये विचार दिया जाएगा, मेरा विचार आपको याद आ जाती है कि बताया गुरु जी ने किसी से दुश्मनी रखनी नहीं, शत्रुता रखनी नहीं, और आप किसी को करे किसी ने ऐसा किया ऐसा किया, घटिया विचार है तो फट आप समझ जाओगे कि बात बताई थी ना, वो ज्ञान है, उसका नाम गुरु है। वो बात याद आ जाती है ना कहीं भी, तो वो गुरु है, और श्री नहीं गुरु है, पर क्योंकि ये बात कोई आदमी श्रीधारी कहेगा, मूर्ति तो कहेगी नहीं, तो ये बाकी जितने भी करें वो सब हैं कर्म कांड में। वो मूर्ति पूजते हैं तो विल पावर बन जाती है, काम हो जाता है, ज्ञान नहीं देगी। तो ज्ञान लेने के लिए किसी जीवते जागते महापुरुष को इष्ट बनाना पड़ता है, जीवते जागते को इष्ट बना करके, और उसको वो समझो तुम, वो कौन, वो परमात्मा। परमात्मा कैसे है, अकह अपार अगाध अनामी, यानी अकह है वो कह नहीं जाता, उसके बारे में अनुभव कर सकते हो। अकह अपार है, इसका कोई पार नहीं पाता, अगाध है उसका कोई था नहीं पा सकता, बहुत लंबा था, और अनामी उसका कोई नाम नहीं है, सब नाम उसी के, नहीं कोई नाम, नहीं कोई रूप, नहीं कोई नाम, सभी रूप तेरे, तेरी प्रजा और भूप तेरे, ऐसा दया संत अवतार जगम आए, दुखी जीव को अंग अपने लगाए। तो मनुष्य कलियुग का समय, कलियुग में संत का अवतार है, कलियुग में मूर्ति मार्ति पूजा नहीं है, कलियुग का धर्म है सिर्फ केवल नाम। तो कल नाम क्या है, जैसे ध्यान प्रथम युग सतयुग में केवल ध्यान करते थे, उसे वो बन जाता था, रूप जो बन जाता है सामने आ जाता था। मख युग दूजे दुआ पर में थोड़ा मन कमज़ोर हो गया, कामुकता में दुनिया फंस गया, कमजोरी आ गई, तो ध्यान नहीं बनता, तो फिर क्या करें, इसमें यज्ञ करते, वो ध्यान नहीं बनता था, तो यज्ञ करने के लिए बार बार के ज्ञानियों को निमंत्रण देते थे, कहते घोड़ा ये सब यज्ञ मैंने घोड़ा दौड़ाते थे, घोड़े का मतलब कि ये मन घोड़े की तरह दौड़ता है, इसको काबू कैसे करें। तो सब जो बुलाते थे वो आते थे, एक अच्छा खाना खिलाते थे ब्राह्मण को, और वो बताते मन को बस ऐसे करो, असमय यज्ञ का मतलब समझा, घोड़ा दौड़ाते थे घोड़े से, मतलब ये कि मन जो घोड़ा है और ठहरता नहीं, तो इसको कैसे ठहराएं, असम घोड़े को कहते, तो तरीका बताते थे। तो ध्यान प्रथम मख युग दूजे और द्वापर प्रतोषित प्रभु पूजे, और त्रेता में बताया कैसे करो यज्ञ, थोड़ा सा मूर्ति पूजो तो चाहिए ना कुछ, वो मिल जाएगा, क्यों खामखा भाजा थोड़ी करते हो, मूर्ति से मांग लो। तो मूर्ति से सिर्फ मन ठहरता है, ध्यान तो करते मन ही ठहरता ना, तो मूर्ति पूजा से ध्यान कर जाओ, राम की मूर्ति कृष्ण मूर्ति तो प्रकट होगी मूर्ति, और पीले रंग का प्रकाश आ गया, मन ठहर गया पहले, और जो इच्छा करो वह चीज़ मिल जाएगी, इस संसार की जो चीज़ चाहता है वो मिल जाती है उसको। और फिर अब क्या, कली केवल एक नाम अदारा, कलयुग में ज़्यादा लंबे चौड़े काम नहीं है, कलयुग में हर काम जल्दी हो जाते हैं, तो बुरा काम भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो अच्छा काम भी बहुत जल्दी हो जाता है, तो परमात्मा को पढ़ना भी बहुत आसान है, ये चार युग ठहरने की जरूरत को नहीं है। एक जन्म गुरु भक्ति कर, जन्म दूसरे नाम, जन्म तीसरे मुक्ति पद, चौथे मंदिर धाम, तो चार तरह की भक्ति बताई, पर शरीर की बड़ी बारीक बताई है, वो बताया अर्थ सेवा नित्य करे, काम क्रोध में चित से रहे, चरण दबावे, पंखा फेरे, चक्की पीसे, पानी भरे, मतलब सब काम, और कहते कोई टहल मोबाइल नहीं आई, लोग जुड़ी को नुहावे, अंकपूत से धोती पहनावे, करे रसोई भोग द्रावे लोग, और पिलंग बिछाओ, बिनती करेगा महाराज बोलो, यानी ये शरीर की सेवा, तो इसकी ज़रूरत नहीं है कलियुग, जरूर क्यों, कलियुग में समझदारी की जरूरत है। तो इसके लिए फिर वो आगे बताया धन की सेवा,
धन की सेवा ये है भाई, गुरु सेवा में खर्च कराई। अभी जब तू कितनी चीज़ लेके आया है, इसकी ज़रूरत नहीं है कलयुग, इतने सामान की जरूरत नहीं है। अरे इतने पंडित पुरोहित जो देते थे और खाते थे वो गए। शिष्य को सच्चाई गुरु को सर्वस्व दे, शिष्य का मेरा नहीं सब कुछ आपका, मेरा तन मेरा मन धन सब कुछ आपका, आपने दिया हुआ है सब कुछ, आप वो है ऐसे समझ समझ से काम ले रहे हो, देने देने की जरूरत नहीं। गुरु को चाहिए शिष्य का कुछ नहीं दे, दो बात है, शिष्य को चाहिए गुरु को सब कुछ दे, तो देने के लिए क्या वो लेगा, तो लेके खाएगा तो बन जाएगा, वो क्या कर उसको लेने का, वो उसका समझे परमात्मा का शिष्य कि तन तो उसी का दिया तो अच्छा रखता हूँ, साफ सुथरा रखता हूँ, हर मन से दिया है तो परमात्मा लगा रखता हूँ, हर धन उसने दिया है तो गुड यूज कर लेता हूँ। तो उसको कहते हैं तुम्हें माता से पिता तुम ही हो, तुम मेरे माँ बाप भी हो, तुम्हें बंधु से सखा तुम ही हो, तुम मेरे भाई भी हो और यार मित्र भी तुम हो, और तुम्हें विद्या से धर्म तुम्हें अक्ल आप ही देते हैं, तुम्हारी अक्ल मेरे भी अक्ल कुछ नहीं, आपकी वजह से अच्छी अक्ल देते हैं, और धर्मण जो कुछ दे रखा है गाड़ी घोड़ा मकान जो कुछ संतान पत्नी पति सब कुछ आपका दिया है, तो बता उसको मानते ऐसे मानते। और तुम्हें मम सर्व देव देवा, तो सब देवताओं में देवता एक है, तो कलयुग में किसी जीवित या पुरुष को अनुभवी को जिसको आप समझते हैं उसको इष्ट बना लो, इष्ट का मतलब सब कुछ तो है, यानी उसको इष्ट बनाओ उससे प्यार करो। कारण क्या होगा, एक तो मन इकट्ठा हो जाएगा उससे, वेयर पावर बन जाएगी आपकी, और दूसरा वो जो उसके अंदर ज्ञान है उसके रेडिएशन से दर्शन से ही प्राप्त होता रहेगा, ये पता चली खैर कुछ नहीं कर सकते केवल वितराग खोपड़ी में रखो, तो उसको माना जाता है। अब ये कहते हैं ये रोज के सत्संग सुनते हैं, तो संत मत कहता है कि संत मत में गुरु का ध्यान धर प्यारे बिना इसके नहीं छुटना, बाकी जो छुटेगा नहीं तू, और नाम के रंग में रंग जा मिले तुझे धाम, दो बात है, एक तो गुरु का ध्यान करे तो तू इस तेरे को सबसे अलग हो जाएंगे, जो सब कुछ मान लिया उसको मान बाप सब कुछ, और उसको समझ लिया तो अकह अपार अगाध अनामी है, फिर वो परमात्मा मान लिया, क्योंकि परमात्मा देखा किसी ने, वो तो है अंदर पर उसको पता नहीं चलेगा, तो उसको मान लिया जरूरी है, और नहीं मानता जाते हैं बात करते हैं मेरे को ये करें भाषण नहीं, मगर तू रूप तो बना लो, तुम पर ये रूप बना लो किसका, जहाँ तुम्हारा कहीं तो मन ठहरे है, किस पर श्रद्धा है वो कर लो श्रद्धा, मैं कब कहता हूँ मेरा बुला दे वो तो करूँगी कोई काम, और नहीं ये बताओ मेरे गुरु जी का ध्यान करो, अवकाल में बता रहे कि ध्यान करना चाहते हो या आया मेरे पास में ध्यान कर लेना इनका, तो क्यों क्यों बताया क्या कि भाई उनका मन इकट्ठा हो जाएगा तो होता ही मिल जाएगा उनको, बताया इधर उधर फटकारा देने के, और मैं मेरे बताओ मैं कर नहीं सकता, मैं गुरु जी बताऊँ गुरु जी थे ही को नहीं भी किसी देखा ही नहीं तो कैसे कर सकता वो, हाँ फोटो को देख के मन इकट्ठा कर सकता है उनकी, विल पावर बन जाएगी, इच्छा शक्ति पूरी हो जाएगी, तो ज्ञान तो वो देगा गुरु। अब उनका साहित्य पढ़ने से समझ आएगी कुछ पूरी समझ नहीं आएगी, मेरा साहित्य पढ़ने समझ आ जाएगी, माधुरी बैठे फोन पूरे बोल दो कहा आपने ये तो इधर लिखा है ये लिखा है, तो करियर हो जाएगा, तो मेरा साहित्य पढ़ लो है, और ये अपना काम जो मेरा काम पढ़े लिखे आदमी को तक है, आम आदमी के लिए नहीं, क्यों नहीं तो मैं टाइम दे सकता हूँ, न इतना समय दूंगा न मैं कुछ सेवा दूंगा, सत्संग बात समझिए ना आप ये, तो इसके अंदर दर्जे हैं, पहला दर्जा तो गुरु का ध्यान धर प्यारे बिना इसके नहीं छुटना, ये बाकी जो चीज़ें तेरी छुटेंगी नहीं, तो ध्यान करेगा तेरा मन कर एकाग्र हो करके प्रकट कर देगा उसको, और विल पावर बन जाएगी, और वो अगर तू पूरा माना हो तो तेरे को गुण मिल जाएगा, अपना आप गणेश पर लगेगी, उसके मुँह से वही बात निकलेगी जो आपके लिए ज़रूरी है, अगर वो गुरु है वास्तव में, और पाखंडी है तो पाखंड अगर आपका मन में भी तो खिला फिर तो पाखंडी मिलेगा, ये टोना ठोना कराएगा खूब सेवा, बेड से दवा लेगा बिल्कुल सिलाया तो मैं आपको आ जाओ उधर, नहीं जाएगा तो बात नहीं करेगा, ठीक है कि नहीं, तो बात समझ गया मेरी, मैंने जो तुमने दिया तेरे को फल मिल गया ले लिया, और अब ये पैसे तेरी मर्जी उसमें डाले तो तेरी बुक का जो छापा ना आपके पास बुक छपाते उसमें डाल दो, और वो देते ना, अगर आपका ये विचार करता क्यों कि वो ज्ञान जाएगा सब जगह जो पढ़ेंगे जिनको लाभ होगा उसमें तेरा शेयर होगा, और उनका घर में सुधार आ जा, प्रेम हो जा, घर के अंदर पति पत्नी का कलह दूर जा, बाप बेटे का सब कुछ घर में शांति आएगी पढ़ने से, तो लाभ होगा, तो पुस्तक छपा देना, या आपका जो ज्ञान होगा वो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान दोगे ज्ञान मिलेगा, गिव एंड टेक का सिद्धांत जो दोगे से मिलेगा, तो आप ज्ञान पर चल गए ज्ञान लोगों को होगा मिल जाएगा। फिर विमल कुमार जी काम कर रहा है, एक बार मैं 130,000 की पुस्तक कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में वकीलों को सब गुजराई, और वो हमें कहते मेरे को टाइम को दो आप टाइम दो, तो वो ज्ञान वो भी तेरे ज्ञान मिल जाएगा, दुखी था वो कोई कारण से, तो बोले मेरे को कैसे मिलेगा, वो कहा ज्ञान से मिलेगा, तो ज्ञान क्या करूँ ज्ञान दे, बोले कहें वो शेयर होल्डर बन जा,
कि मेरा काम तो ज्ञान का है, तो ज्ञान में लगा तो लिमक लगा, मतलब लगा नहीं इसको, ऐसे कर दे। फिर बोले ये भी तो बंदोबस्त, हम देख ले ऐसे ऐसे कर ले। बोले नहीं आए तो वो नहीं कर सकूँ, तो वही यहाँ करेगा जो पुस्तक देते हैं वो तेरे वो दे देना, और तेरा तेरा ज्ञान पात्र कौन होगा, अब बड़ा बड़ा आदमी बोले लेंगे फरेख, अब के सेठ को देगा वो कौन देगा, बोले पैसा कितना आएगा, वो ये पूछेगा पैसा कितना है, अभी मेरे पैसा उड़ेगा काम, सेठ कौन देगा, बड़ा बड़ा साफ है, साफ आई एस है, आई पी एस है, जज है, डॉक्टर है, प्रिंसिपल है, वो सोता हमारे को मिलना ही चाहिए। तो ज्ञान पात्र बड़ा बड़ा आदमी है तेरा, वो तेरे पात्र है, देने का अधिकारी वो है तारे, वो सत्य हमारे को मिलना चाहिए, तो वो काम करता है। तो भाई बात बीच में ये आ गई, तो मैंने सत्संग शुरू किया था आपको यहाँ से कि सत्संग है क्या। संत मत में गुरु का ध्यान धर प्यारे, बिना इसके नहीं छूटना, जीवते जागते पुरुष को पूर्ण माना जाता सब कुछ, और उसका ध्यान करा जाता है, और ध्यान बन गया शुरू हो गया काम। पहले उस्ताद हम कहाँ गए, इधर आ गए, और कहाँ क्या होगा कि इसमें यदि आ जाओगे तो आप इंट्रेंस कर लीजिए, टाली बजाता ना होता पहले स्थान पर, पहले स्थान पर टाली बंदर टाली बजाएगी और लाल पीले रंग का प्रकाश आएगा, ये कल बताया था हमने। तो ये इसमें आपकी दुनिया जो चाहोगे सो बन जाएगा, सत्संग करो सत्संग भी हो जाएगा, सब कुछ ये काम हो जाएगा, इन दुनियादारी का काम आपके पूरे हो जाएंगे, कोई भी इच्छा करोगी इच्छा पूर्ति होगी, इच्छा जो भी आपकी रहे धर्म की, कर्म की, ज्ञान की, दान की, आश्रम की, क्या होगा पूरी हो जाएगी। और आगे का कोर्स मैंने आगे बताया था ऐसे, तो पहला है गुरु का ध्यान, उससे दुनिया बढ़ेगी, और फिर से नाम के रंग में रंग दिया मिले तुझे धाम नहीं जपना। अब नाम क्या है, सफ़ेद रंग के प्रकाश को पहले देखना, ये अध्यात्म शुरू हो गया, और वो देखने के लिए ये है कि वो ये से नहीं दिखेगा। नाम रहे चौथे पदमाही, ये ढूंढे त्रिलोकी माही, ये तो शरीर में मन में आत्मा में देखता है, इनमें नहीं है। तो नाम चौथा पद क्या है, शरीर से निकालो पहले ध्यान योग, सीधा जाओ रूप आ जाएगा, फिर मन से निकालो, जो मन में रूप बनता है सकल बनती है वो तो आप बनाते हो, तो वो गुरु बताएगा फिर आगे कर मारे, खुद नहीं निकलोगे, वो बताएगा कि तू ये रूप को छोड़, ये रूप बहुत अच्छा सिद्धि है मिल गया तेरे को, पर तू आगे चल, यकीन को है जो मंजिल तय कर लिया आखिर बता रहे सत्संग, तो भाई आप मन से निकल जाओगे, क्या मतलब उसको छोड़ दोगे तो सफ़ेद रंग का प्रकाश आ जाएगा यहाँ से करीब माथक बीच से थोड़ा ऊपर की तरफ, सफ़ेद रंग का प्रकाश मांगे तो आनंद बेहिसाब का है, जब सिद्धि तो है ही साथ साथ कि मन इकट्ठा हो गया, पर आनंद का कोई हिसाब नहीं, ये इसके लिए ब्रह्मचारी की ज़रूरत है, बगैर ब्रह्मचारी का प्रकाश आएगा नहीं। तो ब्रह्मचारी पर बच्चे दो चार पैदा जो करने कर लो, और उसके बाद पति पत्नी को पत्नी को साथ लो, और उसको तो क्यों श्री खो रहे आपने क्यों मेरा, और अगर ये ज़्यादा काम भोगोगा तो बेचैनी आ जाएगी आखिर में, ये समझा दो कि ज़्यादा काम ही हो गया, अगर टाइम से पहली कमी हो गया तो भी आएगी, और किर इसको ज़्यादा भोगे तो बेचैनी आएगी, बेचैनी क्या क्या करूँ कुछ अच्छा नहीं लगता, मेरे पास जितने फोन आते बेचैनी के आते, जवान लड़के डॉक्टर डॉक्टरियाँ वगैरह सब, मैं बेचैन हूँ जान जाता हूँ कि ब्रह्मचारी इंडस्ट्री ज़्यादा कर दिया अभी करते, तो उसको बताता नहीं मेरे पास हाल, फिर बताऊँगा मैं, तो आते ही कहता हूँ तुम ब्रह्मचर्य पालन कर, नहीं ख़त्म हो जाएगा बेचैनी होगी, हर वो रुका ही नहीं बेचनी, तो कहीं तो क्या करते हैं वो बेचनी आती है तो कुछ सही नहीं आता, या भंग या आजकल इंजेक्शन थोड़ा अफीम का मिस ले दिया तो मस्त रहेगा उसमें, तो थोड़ी बेचनी उसकी दूर होगी, एक पड़ी एक पैक पिया फिर दो पिया फिर तीन पिया फिर बोतल पेड़ लग जाते अंदर का फेफड़ा कट जाते, या कोई नशा करते हैं ज़्यादा दिमाग का बैलेंस बिगड़ जाता है, ये जितने नशे करते हैं ये ज़्यादा काम ही होते हैं, और काम अंग से ज़्यादा शक्ति निकलने पर माता थोथा बेचैनी से हो जाती है, जितनी बेचैनी आ जाए खुद कसी करते हैं वो होते हैं जो ज़्यादा कामी होते हैं, उनको बेचैनी में कुछ नहीं भागता फिर वो चौथे में क्या करूँ तो मरना चाहिए कुछ नहीं पूछते, खुद कसी करने वाले सब वो आदमी रखते हैं, ये और भी कारण होता है मोस्टली है, अरे जितना नशा करते हैं वो कौन करते हैं जो काम अंग ज़्यादा भोग लेते हैं तो उनको बेचैनी रहती है, बेचैनी रहती है तो एक घूंट लगा दी थोड़ा देर नशा हो गया रोटी खा ली और नींद आ गई, इसे फिर थोड़ा फिर ज़्यादा चाहे फीम का करो चाहे बंग का करो चाहे कोई नशे का मतलब ये है कि बेचैनी है, तो उसको बेचैनी को दूर करने के लिए नशा करते हैं, और वो कौन करते हैं जिनका ब्रह्मचारी ज़्यादा खर्च हो गया, अब बात बताने में नहीं डॉक्टर ने बिरो न बालिस्टर ने बिरो बात का पता है नहीं ये बराद है, तो ये काम किया नाव का रंग क्या हो गया, नाव का रंग ये हो गया कि नाव के रंग में जब प्रकाश है प्रकाश ब्रह्मचर्य का पालन से आएगा,
हर प्रकाश का सफ़ेद रंग का ध्यान करोगे, अगर बीच में काम भोगन लग गया तो बिल्कुल गिर जाओगे, पागल हो जाओगे। काम भोगन लग गया सात प्रकाश का भी ध्यान करते हो, थोड़े दिन प्रकाश भी खत्म हो जाएगा पर पागल हो जाओ, मेंटल हो जाओगे। हैं वो पागल बातें करते, आधी दुनिया पागल है, रजिस्टर को नहीं हुई, रजिस्टर हो जाए तो पागल समझे ना, रजिस्टर को नहीं आया। बाकी बड़े बड़े अफसर भी पागल में बातें ऐसे करते, गुस्सा करते, ये क्या ये वो ये करते, वो क्यों आता है बात होता होता है, इसी आता है, चाहे बचपन में खोया हो और चाहे अभी खोया हो, तो ये पागल पड़ने का बात है। तो नाम क्या चीज़ है, नाम वो अंध का प्रकाश होता है, ये पहले प्रकाश से आगे तक चलते जाओ और प्रकाश यहाँ तक आएगा, उसमें विल पावर है, दुनिया बन जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। एक तो प्रकाश का बारे है और एक इसके साथ दूसरा बारे शब्द का है जो राम नाम कहते हैं, उसमें कुछ करना ही को नहीं। वो संतों मत के ये रहा, उसमें फिर थोड़ा ज़्यादा क्लियर किया कर रखा, संतों ने बता रखा है उसमें, वो बताते हैं गरुड़ पुराण, उसमें चर्चा करी है, अगर मुक्ति लेनी है तो आखिरी शब्द को सुनोगा राम नाम को, तब जाके उसमें लीन होगा, तब मिलेगी मुक्ति। गढ़ पुराण यही है, सैन में बता रहा है क्या उस समय बताबे, वो क्लियर नहीं है। ये इन रथ में फेत वाले ना, इन क्लियर करिए बात, बहुत क्लियर करिए, बहुत अर्थ पूरी तो नहीं बताई है पर भेद बनाया क्यों नहीं, ये बताया संत बिना कोई भेद नहीं जाना, वो तुझे कहीं अलग में। और कबीर ने कहा धर्मदास तो जिलाख दुआई सार भेद बाहर नहीं जाई, तो संतों गुंडी रख ली ने। पंडित फकीर सिंह कहते हैं इन संतों की मैंने इतनी हालत देखी गए, बुरी मौत मरते, उनका गुरु जी खुद भी ऐसे ही था, महात्मा जीते हैं बड़े नाम होते हैं सब कुछ रहता है, बोले वो दो दो साल पड़े रह के मरते हैं तो मर गया। तो मैं ये बात करता हूँ, मुझे डर डर कुछ ले गया, मेरे को तो पहले बता दिया महाराज जी, तू सच्चाई बता दे रहा। तो नाम के रंग में रंगना है आपको, वो नाम क्या है, वो अंडर की धार है, एक मिठी आवाज है, वो क्या है अभी मन वह करे उठान सत्संग दे रहे हो, उसमें बैठे हो उठान सत्संग दे रहे हो, तुम बताया ना जीव तो मुक्त अवस्था हूँ, तो ये करता हूँ कभी कभी भूल भी जाता हूँ इसको, तो उस वक्त मैं बैठ बैठ जाता हूँ, फिर मैं कहीं भी सोचता हूँ गंदा बेचारा कि क्यों ऐसे सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ बेको मेरा कर्म होगा अशुभ कर्म है, तो वो ज्ञान से काटता हूँ, समझे कि नहीं। अब कोई महात्मा हमेशा रहता होगा मुझे पता नहीं, नशे में रह सकता कोई ना होगा नशे में तस जाए बोले इसके तो वो नशा रहता उसको, पर ये हो नहीं सकता, मनी शस्त्री धारण करेगा तो बार का असर पड़ता है, पिछले धर्मों का कर्म विवेक आएगा, वो ज्ञान से कटेगा, ज्ञान की अग्नि से धर्म जलवांतरों के कर्मों को जला के भस्म कर दो तो मुक्त हो जाओगे। वो क्या ज्ञान की अग्नि, सफेद रंग का प्रकाश और शब्द आ जाता तो उसमें समता जी, वो आगे की बात है। तो ये यहाँ पर नाम है, गुरु का ध्यान से क्या मिला, गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके निश्चय बारीकी से सब चीज छूट जाओगे, गुरु जी साथ हैं और साथ ही ज्ञान देते जाते हैं, जाओगे तो ज्ञान दे देंगे, दर्शन करोगे तो जो इच्छा लेके जाओ पूरी हो जाएगी। तो पहली स्टेज है गुरु का ध्यान, नाथ पंथ ने बता दिया साहब के भाई ब्रह्मचारी रहोगे पूरी उम्र और नाथ जी को सब कुछ मानोगे तो नाथ पढ़ने की जरूरत को नहीं, आप सब काम करोगे रस्त में रहो सब कुछ काम करने के लिए, कलयुग है इसमें आदमियों के लिए अपने लिए है ज्ञान, साधु साधु करते कुल साधु है ही बनी कौन सके कोई, जो तो अपनी रोटी नहीं कमाएगा कहाँ साधु बनेगा, मांग के खाने वाला साधु बनेगा जिसका अन्न वैसा मन ठाकरा जो अन्न है ना किसी चोर का अन्न तो वो कह रेफरी कहीं क्या है तो वो हो जाएगा, जिसके अन्न जिस तरह से कमाया उसने उसका अंश जाता है, अंश से ही तो बनता है मन, तो ऐसे जो मांगता है वो होगा नहीं, ऐसे खाने से ये मांगने का नहीं। तो कबीर कहता है मर जाऊँ मांगू नहीं अपने तन के काज, परमार्थ के कारण मोए ना वे लाज, अब ये परमार्थ के बोले ये पैसे और कहीं लगा दें, हाँ हाँ लगा दें और फिर आपने दिए बोले सेवा दे दो, हाँ दे दें, तो मैं क्या क्या है लाओ लाओ मेरे को दो बहुत अच्छा, तो मैं क्या ठाकरा थे संभालो ये पैसा क्या थे लगाना गाड़ी वोड़ी देख रहे, समझे कि नहीं। तो मैं नाम बता रहा हूँ हाथ आपको, अब नाम का साधन जो करता है यानी नाम आखिरी चीज़ क्या होगी, वो जो शब्द राम नाम आखिरी चीज़ है और वो कहा रहता है इधर आगे चौथे पर इधर स्तर की चोटी में जब जाओगे तो वो उसमें ख़त्म हो जाओगे, वो आखिरी वो नाम हो जाएगा। और वो मिलने का तरीका क्या है, ये साधन सूझन सब कुछ करने के बाद में तो उसका सत्संग देता हूँ मैं तुम्हें, आखिरी दर्जे का सत्संग देता हूँ जिसमें थोड़ी सी शब्दों में कहूँगा और बात समझ लेना। तो उसके लिए क्या करते हैं, मैं बरियारी जाऊँ सतगुरु के मेरा दर्श परस भरम बाजा, कि बड़ी बरियारी जाऊँ उनका है क्योंकि उनके दर्शन से रेडिएशन आई और पर्सन से छूने से वो छूते नहीं सिर्फ पैर छू जाए पर्स से ऐसे छूने से, और गुरु जी का सिर पर हाथ रख दिया ये रख दिया, शेठ जी कभी कहते हैं मेरे मेरे को मात्र हाथ, तो उसमें क्या होती है रेडिएशन होती है आदमी, जैसे आदमी को रेडिएशन चल जाती है और वास्तव में वो होता है तो वो संस्कार आ जाते हैं, समझा कि नहीं बात। तो ये प्रेम के साथ में ये चीज़ चलती है कि दे जाओ या चाहे
सिर के प्रात पड़ी किन के जो सुनता हा हा नहाल हो गया बस बोल के उनके अँ चाहे बोला सारे दिन लपेटे रखो कुछ नहीं हुआ। आप समझ एक नहीं बात प्रेम से तो गुरु का प्यार माँ प्यार से ज़्यादा है, वो सदा मुक्त करता है, वो जो ज्ञान देता है तो उसको ऐसा समझने से लाभ होगा। तो क्या बरियारी जाऊँ सतगुर के मेरा दस बरस भरम बाजा धर्मराज से तिनका तोड़ा और जम दुश्मन से दूर किया और शब्द पान परवाना देना काग कर्म तंस किया। अब ये बता रहे कहते बरियारी जाऊँ सतगुर के क्यों जाऊँ कि मेरा दर्शन करने से और सुनने से भ्रम जो था अंतरित रहेगा वो दूर हो गया। एक बात तो ये कह धर्मराज से तिनका तोड़ा अब जो गुरु बना रखा था ने उसको बताया गुरुजी ने वो भी बताएगा वो मेरे रूप को इसको छोड़िए तो तू बनावा यार तो इसे तिनका तोड़ दिया मतलब आ गए कहाँ वो ऊपर चला गया कहाँ प्रकाश के दून करते हुए शब्द में चला गया शब्द पान परवाना दिन शब्द ने राम नाम दे दिया अंदर इधर आ गया शब्द पान परवाना दिन के सुनता रहा उसको और सब उससे मिला क्या काग कर्म तो हंस किया कौवा मानी हमारी चलाकी मुशारी थी ऐसा ऐसा कौवा तेज होता है ना इसे देखता बच्चे हाथ से रोटी छीन लेता देख करके अरे मलाई भी दे देता चौंत और फिर मलाई को थोड़ी बस बिस्तापड़ी भी सुन देता तो ये काग कर्म है। कभी अच्छी बात सोच लेते हैं बहुत बढ़िया दूसरे कभी नफरत से सोच लेते हैं ये काग कर्म है। ये किससे दूर है वो जो शब्द पान परवाना दिया ना उसको सुनने से समतागिर सत्संग जो देता गुरु उससे हमारी जो कौवे की बत्ती है वो दूर रहती है तो सत्संग से बात साफ होती है। इन्हें एरा फेरी 420 झूठ कपड़े जो करते हैं दुई रखते हैं ना वो हमारा काग कर्म है और वो छोड़ेंगे तब जाके हंस बने हंस का मतलब या तो दूध है तो पीनेगा पानी को छोड़ देगा। इन अच्छी बात होगी तो सुन लेंगे अब और घटिया बात होगी तो बोले कोई बात नहीं काल कर्म का हमारे यहाँ बेचारा भगवान सदमति दे इसको ये नहीं नफरत नहीं ज्ञान नहीं बेचारे को परमात्मा है कि सदमति दे इनको अच्छा कर दे। काग कर्म का मतलब जो कौवा की गंदा जो विचार सोचते हैं ना उसकी धोखा देने की 420 रूस अमली करते रोज कहता हूँ तो रूस ने आज ही छोड़ जाओ रहे और नाराज बिल्कुल किसी के प्रति ऐसा कर लें सबको माफ़ कर दो आदि तो ठीक हो जाओगे। अब कहो तो रोजाना जाओगे 10 साल लगोगे पूरी उम्र खोगा सुनते सुनते आज ही छोड़ जाओ ना ठीक हो जाएगा पर वो छुट्टे को नहीं बिल्कुल से हो को नहीं और जो बात समझ आता वो खत्म हो जाती। तो काग कर्म कैसे दूर है मेरा कैसे हुआ अभी सुनो मेरा धर्मराज से तिनका कैसे तो ये लंबी बात बताऊंगा वो नहीं मैं ब्यास गया था बादशाह ब्यास वाला महात्मा को सब सुनते थे महाराज भगवान है भगवान है भगवान है और सब कैसे वो करते थे मैं भी चला गया टोकरी ढोड़े थे लोग मैं टोकरी देखे मेरा काम था मैं तो ऑफिस लूँ मैं थोड़ा सिर पर रखूँगा बहुत ये तो छोटे आदमियों का काम है तो अज्ञान था ना गिरेड अफसर था और बात भी ठीक थी वो अफसर थोड़े करते ये तो निचले आदमियों का कोई तब तक देखता हूँ हमारे एक ब्रिगेडियर था सेवन ब्रिगेड का वो टोकरी उठाया जा रहा है ब्रिगेडियर टोकरी जाते टोकरी में तो कुछ दम है भी ब्यास की बात है मैं ब्यास गया था चरण सिंह महाराज थे उस वक्त तो मेरा पारा जो था ना ईगो का वो नीचे आ गया मैं सोचता ना मैं ऑफिसर का चढ़ मैं थोड़ी रखूँगा सिर पर टोकरी और ब्रिगेडियर को देखा मुझे इतना बड़ा ब्रिगेडियर तो कुछ नहीं उसके आगे तो ब्रिगेडियर टोकरी उठाया जाता जो टोकरी में को दम है ठीक है मैं भी वैसे विचार कर रहा हूँ ठीक है ये है तो टोकरी या सोच ही रहा था तब तक एक कुछ शेड था तो मेरी तो चले कौन जाता था आहिस्ता आहिस्ता चला बूढ़ा था और सिर पर टोकरी दो एक लोग कर रख गया एक तो किसी को धोती का पल्ला पकड़ रखा किसी टोकरी पकड़ रखी और ऐसे ये कौन बोले शेठ है कलकत्ता का कल 10,000 उस वक्त 10,000 रुपया बहुत थे 1956 बड़ी चीज़ थी 10,000 रुपया लाख करोड़ के बराबर होता है लाख 10,000 रुपये दिए इसने और इतना बड़ा सेठ तू आया के ही के सामने तू अफसर बने फिर एक तो ब्रिगेडियर जा रहे हैं ये जा रहा है तो मेरा जो पारा था ना ईगो वो नीचे आ गया और नीचे आ करके मैं सोचा मैं भी गिर रहा हूँ टोकरी तो एक दूसरे फायदे ले लूँ है शुरू कुछ नहीं मैं जब ऐसे विचार करता वो तैयार ही रहते देखते थे आइए वो फटो बनने वाले थोड़ी सी टोकरी मट्टी मिट्टी डाली मेरे को लो जी अब मेरे एक टोकरी गिरा दूसरी टोकरी गिरा और दूसरी गिर के वापस जब आया तो मारे जी बैठे थे चार भाई उनके साथ एक बाबूलाल जज खड़ा था सेवक रिटायरमेंट के बाद में सेवा में आ गया वो गुरु की सेवा करा मैं उनको बोला मुझे महाराज जी से बात करनी होगी एक दो क्यों अधिकारी तो था ही तो सब अंग्रेजों के राज में अंग्रेजों के नीचे तो डर भाई मेरा ख़त्म ही दूर रहता जानता था अफसर आदमी तो है और क्या तो मैं महाराज जी को न करके प्रॉपर चलने उससे करी तो मैं जज साहब बात करनी हूँ महाराज जी से एक दो तब तक महाराज जी बोल बैठे जज से पड़ी बोला भाई तू क्या मेरे से करेगा तू मेरे पास आएगा तो संगत रुक जाएगी सेवा रुक जाएगी सब इधर आ जाएंगे बात सुनने के लिए
तो तुम मेरी कोठी में आ जाना नहीं फेरे, अरे मेरे खट्टा है ख्याल है, ये तो भगवान तो रोज को तो मालूम होना चाहिए मैं रोज कोठी में जाऊँ, ये तो कोई भगवान को नहीं उसी वक्त, ये तो कोई भगवान नहीं, धर्मराशि तिरका टूट गया, विशाल टूट गया कि भगवान है। वहाँ से मैं टोकरी देकर आगे कुली का वापस आई, टोकरी फेंकी और जाके बांधा गया, बाबू लाला क्यों कहाँ जा रहे हो, मम्मी वापस आ रहे हो, अरे बोलो क्यों जा रहे हो तुम, मैं जोड़े से पहले तेरे को नाम जुड़ाऊँगा, इन जोड़ों में देते थे पति पत्नी दोनों को, ताकि घर में लड़ाई ना हो, तो मैं बोले जोड़ों से पहले तेरे को जुड़ाऊँगा नाम, तो कला आए कला गुजवा दूँगा, बोले मैं दादा साहब ठहरूंगा नहीं भी, अरे बोले क्यों, मैं कहा मेरा विश्वास टूट गया, मैं सुनता था भगवान है बात सोच रहा था, अरे बात बिर को मैं रोज को याद डालूंगा, अरे बोले वो बात अलग है ये है नहीं वो अलग नहीं है, अब मेरा विश्वास नहीं है माफ़ करना मेरे को भी दो चार बोल क्या, बोले बोले फिर तो आपको काल ले जा रहे हैं, एक शब्द है इस काल का, काल ले जा रहे हैं, मैं को काल यार मैं जालने में ले जा रहा, मैं तो उधर जाऊँगा, मेरा विश्वास कौन रहे, बसों बेस में बैठे बैठे चले चले जा रहा था, तो तेरा निराश हो गया, 10 दिन की छुट्टी ली, बच्चों से मिला नहीं, क्या फ़ायदा है ये, तो बस में बैठे थे उन लोगों को सुना था रहा हूँ कि एक फ़कीर बाबा है बहुत बड़ा महात्मा, एक वो पोस्ट मास्टर था वो उनका भगत अलीगढ़ का, बड़ा ही गर्म सोचा फ़कीर बाबा, बोले हाँ बहुत, तो मैं सोचा चलो फ़कीर बाबा को जाया हूँ देख लेता हूँ, तो ये तो कुछ ही को नहीं है, तो ये पकड़ पाला क्या, इनको पता ही को नहीं मैं रोज़ खड़े रहूँ कि क्या भगवान है, धर्मराज चिंतन का तोड़ दिया मैंने, मैंने था ना जिसको भगवान, मगर आलू का भगवान नहीं हो सकता, तो मैं फिर आगे चले, फ़कीर बाबा की तरफ गया, बहुत पहुँच गया फिर हुशियारपुर, लंबी कहानी है ज़्यादा वो कहानी नहीं बताऊँगा, वहाँ से जा करके बाबा जी के घर में चला गया, और घर में जाकर बाबा जी से बातें चीज़ें करी, दो चार पाँच चार बात करी, उसमें बताया उनके गुरु की मूर्ति जो उधर रखी है ना वो उधर अंदर रखी, उनके घर में रखी हुई थी, उनके घर में रखी थी उस वक्त, कि आश्रम तो कुछ था ही नहीं, तो कहने लगे ये तो मूर्ति वाला महात्मा जब शरीर में था तो उस वक्त मैंने उनको पूरा माना था, मेरे सब काम हो गए, अरे तुम अगर नहीं माने तो कुछ नहीं, क्या समझा, मुझे क्यों कौन समझा कुछ भी बता बोले, अरे बोले मेरा विश्वास था कि भगवान है यार काम हो गया, तेरा विश्वास नहीं तो कुछ नहीं तेरे दी, मैं कभी कहता हूँ नथिंग गुड नथिंग बैड इज यू थिंक सो इट इज, नहीं घुबरा ना घुबरा जैसे मैं समझते हुआ साहब, तो बाबा जैसे दो चार बात करिए और भाषण करता तो मैं कोई मैं तो थोड़े ऐसा ना था कि आदमी को हो नहीं सकता भगवान ने पकड़ उड़ा रखा, तो उन्होंने कुछ नहीं करा, उन्हें क्या करा सीधा से बैठे थे और कपी थे ओका रख दिया, मैं मेरे को नज़दीक बैठ गया, तो बैठा था पता 5-4 मिनट या 2-4 मिनट लगी होंगी, अब वो तो वो घड़ी तो थी मेरे पास में, तो जल्दी से मैं सोच ही रहा था बात तो ठीक करे, तब तो उनकी रेडिएशन से इधर टकराई मेरा, जिस अवस्था में वो थे वो टकराई मेरे घर में एकदम से अटचर खंची ऊपर की तरफ, कई देर खंची रही थी, और फिर जब से भोका बजाया फिर मैं खड़ा महाराज मैं ऐसा ऐसे मेरी टेंशन खंची है मैं ऐसा ऐसा कर रहा हूँ, जबकि ये होना चाहिए ना जगह ये तो प्रॉपर तरीका था, और ये यहाँ पर क्यों चला गया, शायद पहले मेरा कोर्स कराया होगा, अरे उधर कुदरती होना था, बोला यही तो वजन है और इसी को नाम कहते, अरे तेरे कुछ करने की जरूरत को नहीं, आज तू प्रकाश छोड़ के जो चला गया धार से राम नाम क्या है ना ये आखिरी चीज है, तो तू तेरा रास्ता बहुत छोटा रह गया और तेरी उम्र बहुत लंबी है, तो तू क्या काम करेगा बस ये जो टाइम उसे खड़िया कर ड्यूटी करा कर पहले, और ज़्यादा पढ़ ज़्यादा ध्यान नहीं करना नहीं तो नौकरी छोड़ी भाग जाएगा वैराग हो जाएगा बुरी तरह से, ऐसे दो चार बातें बताई और बता कर ये बात कर, अगर वो मुझे भाषण देते मैं नहीं मानता, उन्होंने मेरे को डायरेक्ट किया धर्मराज से तिनका तोड़ा और जम दुश्मन से दूर करा, जम मानी जो रूप रंग आते हैं दुख देने वाले सुख देने वाले उनसे दूर करो, घरों को मानता ही मुंबई सुपना मानता सुना मुंबड़ी ऐसी है, तो वो उनकी वजह से क्या हुआ मेरा जम दुश्मन से दूर करा, मुझे विचार रूप नहीं आई उसके बाद रूप जो है नहीं आई कोई तरह का भाई ये काम इस तरह से हुआ, तो ये इसमें बताया कि धर्मराज से तिनका तोड़ा जम दुश्मन से दूर किया, बाबा जी कितने भाषण देता मुझे विश्वास आता नहीं तो विश्वास तोड़ गया था धर्मराज से तिनका तोड़ के आ गया था कोई आदमी नहीं होता, तो मैं मेरे को बनता नहीं, उन्होंने भाषण ने दे करके दो चार बात बता करके समाधि में चले गए, और वो समाधि में चले गए तो मैं बैठा तो उनकी रेडिएशन से ये नहीं कहता उन्होंने सोचा होगा ना वो तो अपनी समाधि में चले गए क्या बताना इसको समाधि में चले गए, वो समाधि से वो उनकी रेडिएशन आई और उसे यही हो गया अनुभव, तो जम दुश्मन से दूर किया ये किसे पंडित फकीर चंद जी के उस ख्याल से बगैर बोले हुए रेडिएशन से, और वो नाम प्रकट हो गया, तो क्या करें धर्मराज से तिनका थोड़ा जम दुश्मन से क्या मतलब अब मन द्वारा रूप नहीं बनाने पड़े रूप आए नहीं मेरे को कभी जम दुश्मन से दूर किया, शब्द पान परवाना दीना शब्द का परवाना अंदर जो राम नाम आया वो परवाना दिया उसके साथ से शब्द था
और समुद्र पान परवाना देना का कर्म तो सेंस करा, तो समता आई तो मेरे समझ में आ गई बात। उन्हें एक पत्रिका करा दी अलीगढ़ से, एक देवीचरण मित्तल होता था उधर वो प्रकाशक, तो वो देवीचरण मित्तल को लिख दिया बाबा जी ने कि इसको इस अवसर पर, इस अवसर को इस पत्रिका भेजता रहो, तो शिव आती रही और उसमें बाबा जी के सत्संग आते थे। अब जो किताबें लिखी हुई नहीं सब की सब, ये सत्संग मेरे को पढ़ आते थे और मैं उनको गौर तीन चार बार पढ़ता था, वो आता है मेरे को समझ आ गई पूरी। इन हर चीज़ पर प्रकाश डाला है, ये 17 सत्संग है ना पूर्ण फकीर चंद जी का, पूरा 5-4 बार सुन रहे उस पर सत्संग सुनने की जरूरत नहीं रहेगी, क्यों सब कुछ बता दिया उनके। तो वो सत्संग मेरे पर ही पत्रिका में आते थे, मैं पढ़ता रहा। तो शब्द पान परवाना देना और काक कर्म का ध्वंस किया, वो जो शब्द तो मिला उस वक्त से जब बाबा फकीर के पास गया, और उसके बाद फिर कहते हैं गुरु की मेहर से अगम निगम लख, गुरु की कृपा से अगम नगम, कृपा क्या हुई उन्हें, कृपा करिए मुझे वो सत्संग देते रहे पत्री का, वो रोज आती रही गुरु की मेहर से अगम निगम के ज्ञान, तो क्या ज्ञान क्या है पता लग गया ना पूरा, गुरु की मेहर से अगम निगम लख बिन गुरु कोई नहीं मुक्त भया। तो ये छोटा सा कोर्स सत्संग है, ये है आखिरी जो मेरे का साथ बीती, पर ये सबके साथ ये नहीं बीतेंगे, अलग अलग प्रकृति के अनुसार होंगे। अब जो कहीं नकल करेंगे मेरे पूरे ये हुआ लंगोटो होते हुए क्यों है, मैं बोलूँ कि क्या अनुभव करे हो, तो कोई अनुभव की बात नहीं, मैं बस 3 घंटा बैठूँ 2 घंटा बैठूँ मुझे बेवकूफ़ सुपने में बैठता है। वो बताओ कुछ तीन इष्ट होंगे आपके पास, पहले तो रूप आ जाएगा तो इधर एकाग्रता आएगी, रूप इष्ट चाहिए, वो त्रिकुटी तक आएगा आप तो बिल्कुल ठीक है, लाल रंग के प्रकाश तक आएगा, उसके माथक बीच तक, उसके बाद वो नहीं आएगा, फिर क्या करेगा वो उसमें रारंग सारंग में चांद से चांदनी आएगी हल्की सी, जो गृहस्थी है ना, तो गृहस्थ समझ जाएगा तो आपको चांद से चांदनी आएगी, और फिर ऊपर चलोगे तो जब गर्भ प्रकाश आ जाएगा, ये उसकी अवस्था बनती है ऐसे। और या तो मतलब ये तो रूप आए या प्रकाश आए और या वो शब्द आए, अब ये साधन तीन साधन करता है तो सत्संग है, और वो साधन करता नहीं कुछ नहीं करता, प्रैक्टिकल चीज़ है, क्यों मैं तो डॉक्टर हो गया ना, मैं तो पता लग गया कि ये चीज़ इधर की रही है। तो गुरु पीर जो है प्रकाश तक अगर शब्द में रूप भी बनाता है तो ठीक है, वो कुछ बता भाषण दे सकता है, उसका प्रभाव पड़ेगा, रूप बना लिया तो रूप बनाना वो खला घर को नहीं है, रूप बिना आस्था का बनता नहीं है, बड़े भाग में तो बढ़ता है। अब जब मेरे को वो ज्ञान हो गया कि वो तो मन बनाता तो मैं तो आता ही नहीं थे, मेरे देखो बात ही नहीं, पर ये जड़ है, अगर इसका रूप नहीं बनता तो कुछ नहीं, या तो रूप रहे इष्ट या प्रकाश आ जाए और या फिर राम नाम आ जाए, तीन साधन करता है जो तो समझो साधन है नहीं बकवास है। ऐसे को बोलते मैं बस आंध में स्वयर तांद को नहीं, वो नींद आ जा करी अठे उलगाई है तो आया करती रात को तो वह चेयर बैठती अठे वो जो योग निंद्रा में चली जाती। तो वो जो और तीसरी बन बताया ऐसे साधन सुन करने के लिए बताया, बातचीत वह करने लगी और वह करती बोली मैं गरी नींद में चली जाऊँ, नींद को नहीं मैं समाधि में चले जाऊँ महाराज, थारो ये हो रो पर वो हुआ वो ये हो, मैं सुनते रहो तो बातचीत, फिर 3-1.5 घंटा तक बोलूँ को बेहोशी गरी नींद है, परेशान अभ्यास करी बैठ के गरीब में चली जाती है बेहोशी में, इष्ट रहना चाहिए सामने, जब तो साधन कोई साधन को नहीं, गरी नींद है वो आज चैन तो मिलेगा उसमें, पर वो गरी नींद आई होगी। तो मैं पूछ लेता हूँ बोलो को बहुत बड़े महात्मा सारी के साधन करो, एक दिन मैं कुछ सार सर था वहाँ चला गया तो नाथ पंथ का नाथ जी था बहुत प्रसिद्ध और बड़ा सोने का पड़ा और मकान पड़ाएगा तो बड़ा मशहूर लोग जाम भी नहीं बड़ी सेवा करें सिद्ध आदमी माने भी नहीं सेवा सेठ साहूकार। तो मैं वो देख के आश्रम में चले गए, सदा आश्रम में कोचिंग सेंटर 3 दिन जाते हफ्ते तो मैं चले गए नाथ जी के पास, हुआ है कि नाथ जी बोले नाथ जी तो मान गए हैं गुफा में ध्यान में बैठे हैं ठीक, मैं बैठ सा मिलकी चाल श्याम काम तो था ही नहीं मेरे को। नाथ जी फिर बाहर निकला बाहर बैठे बातचीत करी 2-4 मैं सेना का कैप्टन हूँ पेंशनियर हूँ मैं योगी हूँ महाराज बताया और वो राम ना उसको तो अभी बैठे हुए चलता अभी अनुभव कर रहा हूँ, मैंने मैं अपनी सच्ची बात बता दी उसको और मैं आपके दर्शन करने आ गया इधर आप नाथ जी हैं सुनता रहा। बोला कैप्टन साहब सच्ची बात ये है 3 घंटा बैठे तो कदे तो वो अज्ञातर कदे नहीं आता है, मेरी तो ये आदत है 3 घंटा बैठा हूँ और बैठता हूँ मन कठे का फिर लेता हूँ फिर कभी कदे कदे वो थोड़ी सी धारा जाती है और नहीं तो फिर और ही बात विचारों से छूटता नहीं विचार गिरे रहते। ये हालत नाथों की है, बड़े बड़े नाथों की है गुरु जो है ना ये हालत उनकी है,
इच्छा करी उन्हें आश्रम के आश्रम बन गया, चेलों की इच्छा करी चेले बन गए, पूछ गए, और फिर वो हेरा फेरी जो करें वो इसका खोटा कर्म बन जाते हैं। इसके लिए मेरे को क्या बताया था, मैंने वो सत्संग खत्म कराया वो इसका तीन चार दिन में बढ़ियारी जाऊँ सतगुरु के, मेरा दर्श परस भरम बाजा उधर उधर तो भरम भगवान समझता था, तो चरण सिंह के बात से बात पता लग गया कि उधर आजना कोठी में, तो पता लग गया तो कुछ नहीं डर बस भरम दूर हो गया कि कोई भगवान भगवान नहीं हो सकता। और पर्ण फकीर जी ने कुछ कहा नहीं, बिना कहे उनकी रेडिएशन से वो प्राप्त हो, ये दम दूसरे से दूर कर दिया, जब विचार जाएंगे तरह तरह के वो विचारों से दूर हो गया कि वो कुछ नहीं भाजते हैं। तो अब जब जमदा मारने का सवाल ही नहीं होता, रूप पाने का सवाल ही नहीं होता, मेरा दर्श भरम बाजा धर्मराज से तिनका तोड़ा उसे उत्तीर्ण तो तोड़ा चरण सिंह ने, और जमदु सुन से दूर किया पंडित फकीर चंद जी ने, और शब्द पान परवाना दिन ये पंडित फकीर चंद जी ने दिया जो अंध की तरफ अनुभव गया, और कहते काक कर्म तरह हंस किया वो किताब भेजते रहे मेरे को, सत्संग भेजते रहे जो दिखते थे वो सत्संग, मेरा कौवा कर्म जो था ना मैं सोचा करेगा सब रहेगा, तो उससे मेरे को दूर है। तो शब्द पान की परवाना दिन, और वो काक कर्म तरह हंस किया, जो कौ चलाकी थी खत्म होगी, बर्ती पर एक पैसा नहीं ले सकिया, मैंने मालूम था बेटा तुम ये देगा पैसे तो तनख्वाह मिलती है, एक पैसा जब की देती है इतना दे दो इतना ले लो, मेरा घर ऐसा नहीं होता, जब भी है से अगर मैं देता ना तो मेरे पास मेरा घर मकराने का होता, लोग दिन वाले रद्द देते पैसे, ये होता तो मेरे लिए वो जहर हो गया, समझेगी ना बात। तो वो काक कर्म की हंस कर दिया, और वो पत्रिका आती रही पढ़ता रहा, ज्ञान पढ़ने से वो ज्ञान हो गया, पता लग गया ना पत्रिका से ज्ञान क्या है, ज्ञान क्या है गुरु की मेहर से अगम निगम लख, गुरु की मेहर से पता चल गया कि ज्ञान तो ये रहा ज्ञान ये, अगम नगम कम तो ये ज्ञान अज्ञान, अगम ज्ञान को कहते हैं निगम अज्ञान को कहते हैं, गुरु की मेहर से अगम निगम लिख, बिन गुरु कोई नहीं मुक्त होया, बिना ज्ञान के कोई मुक्त नहीं होता, ये की सत्संग आते हो आखिरी सत्संग, हालांकि इसमें तीन नहीं है, आपको मालूम होना चाहिए क्यों आपने काम करना चाह रही है, तो मेरा काम करना है तो मेरी जगह तरफ की को पकड़ ले, आखिरी चीज़ क्या है, आखिरी चीज़ ये है कि आपको बेफिक्री है, कोई चीज़ का फिक्र नहीं, पाका ना मस्त है बिल्कुल से खेल करें कि मेरा काम है सब काम कर, बच्चों का अच्छा पाल, पत्नी के साथ अच्छी बात रख, नाराज मत कर बिल्कुल, अच्छी बात कर तो सब बड़ी भाई भाग वाली है ये है वो, उसको हौसला देगा तो तेरा बहुत बड़ा गुण है, तो भाग वाली आई तो खुश रहेगी भाई बिल्कुल, ठीक रोटी अच्छी बनाई खुआओगी, रोसेड़ी अच्छी वाली खुआओगी, गंगा जा तो गंगा जा, सर जमना जा जमना जा, ऐसे काम करता रहिए की चूटी आखिरी है, इससे पहले कोर्स है, पहले सत्संग है, वो नाम का है, वो अब आज को दूंगा आपको इतना ही दूंगा, वो नाम नहीं मिले तो कुछ, नाम नहीं मिला तो सब मिला, नाम है सबका सार है, जो कोई सुन रहे नाम नित या अपने सारी बाद में दूंगा, इसे पहले कहा ठीक है ना, आज वो टॉप का जो सत्संग आखिरी सत्संग था वो दे दिया आपको, क्योंकि आप अधिकारी हैं, मैं देखो नहीं सक्यू ये ज्ञान सत्संग, अब आज सुने आज ही देना मैं देखो नहीं सक्यू, कारण क्या कि मेरे और ही चीज़ को नहीं खत्म हो, ये आपके लिए था ये सत्संग, ठीक है।